गुड मॉर्निंग बच्चों। तो अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं एक्सरसाइज 8A क्वेश्चन नंबर 2। हमने प्रीवियस क्लास में हिच सम तक किया था। आई से शुरू करते हैं। आई सम है 2x, ये है एक्सरसाइज 8A क्वेश्चन नंबर 2। आई सम 2xy² + 2xy। अब देखिए इसे हम सिंपल मेथड से करेंगे जो हमारा फर्स्ट मेथड था, ठीक है। इसमें क्या करना है बच्चों, हमें इस टर्म को और इस टर्म को इररिड्यूसिबल फैक्टर्स में ब्रेकअप करना है, मतलब प्राइम फैक्टर्स में। अब 2 का तो प्राइम फैक्टर 2 ही रहेगा, x को x, y स्क्वायर को और हम ब्रेक कर सकते हैं y इंटू वाई। इसी तरह यहाँ भी 2 इंटू एक्स इंटू वाई। अब यहाँ देखने वाली चीज़ क्या है बच्चों, हम हमेशा क्या करते हैं, इररिड्यूसिबल फैक्टर्स में पहले लिखते हैं, फिर इनका जो कॉमन है वो बाहर निकालते हैं। यहाँ देखिए 2xy दोनों में कॉमन है, तो वही हमारा है HCF हुआ, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमेशा HCF को बाहर लिखते हैं और अंदर जो बच जाता है वो लिखते हैं। तो यहाँ y है और प्लस के नीचे प्लस बच गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 बच्चों, ठीक है, क्योंकि एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 1 विल गिव द नंबर इटसेल्फ। 7 1 7, 9 1 9, 11 1 11। उसी तरह 2xy × 1 = 2xy, तो हम इधर क्या लिखेंगे, 1। तो इस तरह से हमारे फैक्टर्स जो हैं वो है 2xy एंड y+1। अब इसे फैक्टराइज करते हैं। पहला स्टेप है ब्रेक डाउन इंटू इररिड्यूसिबल फैक्टर्स। इररिड्यूसिबल का मतलब इससे और ज़्यादा ब्रेक नहीं हो सकता। 9 को हमने 3 × 3 में ब्रेक किया, क्या 3 को और ब्रेक कर सकते हैं, नहीं। और 3x इधर 3 × x। अब यहाँ देखने वाली चीज़ ये है बच्चों, यहाँ दोनों जगह 3x कॉमन आ रहा है, यहाँ एक 3, यहाँ एक 3, तो HCF हुआ 3। यहाँ एक x, यहाँ एक x, तो ये हुआ हमारा HCF। तो अगर मैं इस 3x को बाहर लिखूं तो इसमें क्या बच जाता है, 3x और प्लस की जगह प्लस, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है, मतलब 1, क्योंकि 1 × 3x ही तो 3x है ना, 1 × 3x ही तो 3x है। तो यहाँ अगर कुछ भी नहीं बचा तो आप 0 मत लिखिएगा, ठीक है बच्चों, 1 है वो, ठीक है। तो वो 1 को मैं इधर लाई, तो इसके फैक्टर्स है 3x एंड 3x+1। अब जो हमारा के सम है बच्चों, यहाँ देखिए ये थोड़ा बड़ा है, मतलब नंबर्स बहुत सारे हैं, m² n³। तो बच्चे लोग क्या सोचते हैं, क्या मैम इतना ज़रूरी है क्या लिखना 5 × 5 × m × m × n × n × n? तो और एक ट्रिक भी है, मैं आपको सिखाती हूँ, अगर आपको समझ में आया, ईजी लगा तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि उन्होंने एग्जाम्पल सम्स में उस तरह से ही किया हुआ है, ठीक है। यहाँ देखिए बच्चों, पहले तो हमारा काम होगा HCF निकालना। HCF के लिए हम 25 और 5 का इधर प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो देखिए बच्चों, दोनों में कॉमन क्या निकल कर आया है, इस 25 में भी 5 है, इस 5 में भी 5 है, सो 2 5 मतलब 1 5, तो कॉमन निकल कर आ रहा है 5, तो वो हमारा HCF का एक पार्ट हो गया। अब m स्क्वायर और m का क्या HCF होगा, HCF ऑफ m स्क्वायर एंड m। देखिए बच्चों, m स्क्वायर का मतलब m × m, ठीक है, और इस m का मतलब सिर्फ m, ठीक है। तो दोनों का HCF क्या है बच्चों, m, मतलब अगर बेस सेम है तो HCF क्या होगा, जिसका पावर छोटा होगा। अभी ये m स्क्वायर है और ये m⁻¹ है, तो ये छोटा है ना, तो वो छोटा नंबर ही HCF होगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए HCF ऑफ n³ and n, तो देखिए n³ को हम लिख सकते हैं n × n × n, और ये n हुआ ये, तो यहाँ HCF दोनों में क्या निकल कर आ रहा है, छोटा नंबर n, तो इसमें n³ है 2³ और ये n⁻¹ है, तो 1 ही छोटा है, तो वही हमारा HCF होगा। तो पहले तो हमने HCF फाइंड आउट किया, ठीक है। अब HCF फाइंड आउट करने के बाद पहले टर्म को डिवाइड करना है इससे, सेकेंड टर्म को भी इससे डिवाइड करना है, हमें ऐसा आंसर मिल जाएगा। देखिए 25, therefore फर्स्ट टर्म 25m² n³ डिवाइडेड बाय 5mn, फिर माइनस 5mn डिवाइडेड बाय 5mn।
मतलब ये जो ऊपर वाली लाइन है ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैंने ऊपर लिखा है और इन दोनों को मैंने HCF से डिवाइड किया है, ठीक है। तो हमें आंसर क्या मिल रहा है, ये 5 mm जो है बच्चों, ये HCF हम हमेशा कहाँ लिखते हैं, बाहर, राइट। देखिए HCF को हमने बाहर लिखा, यहां भी HCF को हमने बाहर लिखा, अब डिवाइड करने के बाद जो नंबर आएगा वो ब्रैकेट के अंदर आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म को डिवाइड करते हैं, 5 5 25, m स्क्वायर से m को डिवाइड किया तो m ही आएगा, है ना, m दो बार और m एक बार, तो दो बार में एक बार कट गया। फिर n क्यूब में n टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय n टू द पावर 1 इज n टू द पावर 2, ठीक है। तो क्या बचा, 5 mn square, सो 5 mn square। इसी तरह 5 mn डिवाइडेड बाय 5 mn इज 1, है ना, जीरो नहीं, ठीक है, ये माइनस नहीं कर रहे हैं, डिवाइड, जैसे 6 डिवाइड बाय 6 क्या हुआ, 6 ones are 6, वैसे, ठीक है। तो देखिए ये एक ही स्टेप में हमने कर लिया। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है नहीं मैम ये थोड़ा मुझे दिक्कत लग रहा है, तो आप यू कैन गो टू द सेम ट्रिक। एल सम देखिए बच्चों, 12y³ + 6a³। सो 12y को हम ब्रेक करते हैं, 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12, y क्यूब को हम ब्रेक करते हैं y into y into y, तो ये वाला हो गया, फिर प्लस की जगह प्लस। अब 6a क्यूब को ब्रेक करते हैं, 2 3 ज़ा 6 और a क्यूब का मतलब a into a into a। अब यहाँ एक 2, यहाँ एक 2, तो HCF, यहाँ एक 3, यहाँ एक 3, तो HCF 2 into 3, तो अब क्या बच गया इधर, 2y³, है ना, 2 और y कितनी बार है, क्यूब, और यहाँ क्या बच गया, a क्यूब। तो हमारा आंसर हुआ 2 3 ज़ा 6, 2y³ + a³, ठीक है। नेक्स्ट, 12x³y - 4xy² सो 12 को ब्रेक करते हैं, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, x क्यूब, x into x, y एक ही बार, यहाँ 4 को ब्रेक करते हैं, 2 2 ज़ा 4, x एक बार, y दो बार, अब कॉमन 2, फिर से कॉमन 2, फिर कॉमन x, फिर कॉमन y, बस। अब यहाँ 3 है लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ एक x है लेकिन इसके लिए जोड़ी x नहीं है, यहाँ एक y है लेकिन इसका जोड़ी यहाँ y नहीं है, एक्स्ट्रा y नहीं है, तो अब इधर क्या बच गया बच्चों, 3 into x into x, माइनस यहां क्या बच गया, y, तो हमारा आंसर क्या हुआ, 2 2 ज़ा 4, 4 into x 4x, 4x into y 4xy, 3 into x into x x square, माइनस y, सो दीज आर अवर फैक्टर्स, 4xy एंड 3x² माइनस y। अब देखिए बच्चों, हम 3ay को 3 into a into y लिख सकते हैं और 3az को 3 into a into z, दोनों में कॉमन 3 और a, सो 3a कॉमन है, तो यहाँ क्या बचा, y, फिर प्लस यहाँ बचा z, सो दिस इज अवर आंसर। अब 9x को इररिड्यूसिबल फॉर्म में लिखिए, 3 3 ज़ा 9, x की जगह x, माइनस की जगह माइनस, 3 into 2 into 2, ब्रेक किया मैंने, 3 4 ज़ा 12, 4 को हम 2 into 2 लिखेंगे क्योंकि इररिड्यूसिबल फैक्टर्स में लिखना है। अब कॉमन क्या है दोनों में, 3, तो सिर्फ 3 कॉमन है, तो यहाँ क्या बच गया बच्चों, 3x, फिर माइनस के नीचे माइनस, यहाँ क्या बचा, 4, सो दिस इज योर आंसर। अब 10x को हम कैसे लिखेंगे बच्चों, प्राइम फैक्टर्स में, 2 into 5 into x, माइनस की जगह माइनस, 25 को हम लिखेंगे 5 into 5, x² को हम लिखेंगे x into x, दोनों में कॉमन क्या है, सॉरी 5 दोनों में कॉमन है, x दोनों में कॉमन है, बस इतना ही कॉमन। तो HCF को हमने बाहर लिख दिया, जो भी हमारा कॉमन होता है वो हमारा HCF होता है, तो इस HCF को बाहर लिख दिया, तो बाकी इसमें बचा क्या, 2 माइनस इधर क्या बचा, 5 into x 5x, सो ये हमारा आंसर। 3x² को हम लिखेंगे, 3 into x into x into y + x into y, अब इन दोनों में कॉमन क्या है, x और y,
ठीक है। अब देखिए बच्चों, मैंने दोनों अंडरलाइन कर दिया, मतलब एक्स वाई पूरा खाली हो गया। इसका मतलब हम इसे लिखेंगे एक्स वाई इंटू वन, क्योंकि एक्स वाई इंटू वन क्या है, एक्स वाई, बराबर। तो अगर कुछ भी नहीं रहा तो आप इंटू वन कर दीजिए, ठीक है। तो हमारा एक्स वाई जो है एच सी एफ है, क्योंकि वो कॉमन है, और अंदर रहेगा थ्री एक्स प्लस वन। सो दिस इज योर आंसर, दे आर योर फैक्टर्स। अब देखिए बच्चों, ये थोड़े बड़े नंबर्स आ गए, तो क्या हम दूसरा मेथड यूज करें? 21 को हम लिख सकते हैं 3 7 21, 7 1 7, 49 को हम लिख सकते हैं 7 7 49, 7 1 7। तो दोनों में कॉमन क्या है, 7 कॉमन है, ठीक है। तो हमने यहाँ एच सी एफ में लिख दिया 7, और हमें पता है एच सी एफ ऑफ ए स्क्वायर और ए, इन दोनों में छोटा कौन, ए, क्योंकि इसकी पावर छोटी है, तो ये ए। फिर b और b स्क्वायर में छोटा कौन, b, क्योंकि b स्क्वायर बड़ा है। तो हमारा HCF आ गया है 7ab, ठीक है। तो हम HCF को बाहर लिखेंगे, 7ab को हम बाहर लिखेंगे। अब इन दोनों को 7ab से हम डिवाइड करेंगे, तो हमें अंदर क्या आएगा वो पता चल जाएगा, 21 a स्क्वायर b डिवाइडेड बाय 7ab प्लस 49ab स्क्वायर डिवाइडेड बाई 7ab। अब देखिए 7 3 21, मतलब 3 आएगा, b से b कैंसिल, x रेस टू a डिवाइडेड बाई x रेस टू b इज x रेस टू a माइनस b। याद है ये लॉ हमें पता पड़ा था लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स में, अगर बेस सेम है तो पावर्स को सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ बेस सेम है तो पावर को सब्ट्रैक्ट, 2 - 1 = 1, लेकिन a रेस टू द पावर 1 को हम सिर्फ a लिखेंगे। प्लस अब इधर इसकी बारी है, 7 7 = 49, तो 7 आएगा, a से a कैंसिल, b स्क्वायर डिवाइडेड बाय b, तो यहाँ कोई पावर नहीं मतलब 1, सो b टू द पावर 2 - 1 = 1, लेकिन हम 1 दिखाते नहीं हैं। तो सिंपल वे ऐसे भी आप कर सकते हो। अब यहाँ देखिए बच्चों, 7a² b को मैं लिखूंगी 7 into a into a into b, माइनस 14 को लिखूंगी 2 7 = 14, बी स्क्वायर को बी इंटू बी। क्या कॉमन है दोनों में, 7 और b, तो 7b, इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, तो 1 7, इसमें भी b है, इसमें भी b है, तो 1b। तो ये हमारा HCF हुआ, और तो इनमें कोई कॉमन नहीं है, तो बाकी को अंदर डालिए, a इंटू a ए स्क्वायर, माइनस के नीचे माइनस, 2 into b into b इस, नहीं ये तो अंदर चला गया ना, हाँ 2 into b is 2b। सो ये हमारा आंसर है। अब इसमें देखिए बच्चों, माइनस 16 को हम कैसे लिख सकते हैं, अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे ऐसे, सो 2 8s are 2 4s are 2 2s are 2 1s are, तो कितनी बार, 2 4 बार। सो माइनस, फिर 16 को हम लिखेंगे 2 into 2 into 2 into 2, ठीक है। प्लस अब 20 को कैसे लिखना है, 2 10s are 2 5s are 5 1s are, सो 2 into 2 into 5। हाँ बच्चों, यहाँ मैं ए स्क्वायर लिखना भूल गई, into a, ठीक है। फिर प्लस अब आएगा 2 into 2 into 5 into a³, मतलब 3 बार। अब कॉमन निकालते बच्चों, यहाँ 2 यहाँ 2, तो HCF हुआ 2, यहाँ 2 यहाँ 2, फिर से HCF आ रहा है। अब यहाँ a, फिर से यहाँ a, बस इतना ही आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ क्या बचा बच्चों, 2 2s are 4, इसमें अंडरलाइन नहीं है, सो ये माइनस 4 आएगा। फिर यहाँ क्या है बच्चों, 5 और a, तो प्लस 5a, ठीक है। सो 2 2s are 4, 4 into a 4a, 4a into a 4a square। अब यहाँ माइनस 4 प्लस 5a ऐसे भी लिख सकते हो, या तो आपको प्लस से शुरू करना है तो 5a, फिर ये माइनस 4 भी लिख सकते हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ माइनस से शुरू हो रहा है ना, तो इसीलिए इसे पहले लिखा फिर इसे लिखा, ऐसे भी आप लिख सकते हो, ठीक है। अब बच्चों, ये जो सम्स है, एग्जाम्पल 5 6 7 8 और ये ट्राई दिस, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी, क्योंकि ये इन्होंने HCF के मेथड से सिखाया, जो आपको
टफ लगता होगा, मुझे नहीं पता, शायद आपको इजी लगता हो, इसलिए मैं ये आपको सेपरेटली नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। ठीक है, तब तक के लिए बाय बच्चों।